champions. Hello, hello, भाई भाई कैमरा भी पकड़ो, यार एक मिनट भाई, क्या चल रहा है, मुझे क्यों पकड़ना, चल गया, अरे एक मिनट, सॉरी यार। आप आठ लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से दो लोग रिप्लेस हो जाएं, दो लोग निकलें और दो लड़कियां आ जाएं। कोई कंटेस्टेंट ऐसी जिनको कहा था मैंने कि उनको आना है शो में, किनको आना होगा? हरीम शाह और संदल खटक। फिर जैसे ही एक कैमरा बिलाल के चेहरे की तरफ आया तो बिलाल ने ऐसे 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 नारे मारे हैं कि सारी की सारी सिंपैथी तो वही ले गया। अटेंशन सीकर, परफेक्ट अटेंशन सीकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हार नहीं मानूंगा मैं। कितने मुझे अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं? वकार भाई कितने सेकंड में? वकार भाई बताएं, वकार भाई कितने सेकंड में? आखिरी 15 सेकंड है, आखिरी 15 सेकंड है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हो गए वकार भाई, टाइम खत्म। हम लोग जाके रिंग से बाहर खड़े हो गए। मैं देखूं ओए आमिर साहब तो बिल्कुल निढाल पड़े हुए हैं, नीचे हाथ पांव उसके फूले हुए हैं। अरे मम्मी डैडी बच्चे हैं। मुझे कहते हैं मैं सिंपैथी खींचने आई हूँ यहाँ पर, इसे निकालना है इस शो से। आमिर देख, हार नहीं माननी एंड मोमेंट पर ना, इसको निकालना है यहाँ से, ये किसी का नहीं है यार, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। दर्द हो रहा है, तेरा हाथ फट गया क्या? हाँ दोनों फट गए यार। नहीं यार आमिर, हम सबकी टीम का सवाल है यार। ये पाल्टी मार लेगा यार। हाँ मजबूर हो, पानी पी ले। हाँ। मैं पिला रही भाई, उठ के बैठ, पहले उठ के तो बैठ, सूरज की तरफ तो कर मुँह यार। मैं जब हार नहीं मान रही, मैं हूँ क्या? मैं हार नहीं मान रही, तू कैसे मान रहा है यार? एंड मोमेंट पे नहीं छोड़े, हाथ में दर्द हो रहा है ना? मेरे भी हो रहा है। निकल गई दिल की भड़ास सबकी जी, या और चाहते हैं आप निकालें? क्योंकि आप लोग सोते नहीं है रात को जल्दी, सुबह नाश्ता नहीं सही तरह करते, तो यहाँ आके भूख लगती होगी, तो इसलिए कहते हैं रात को जल्दी सो जाएं, आपकी एनर्जी रहेगी। क्या हुआ आमिर? सर चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, सर घूम रहा मेरा पूरा सही से। कुछ खाया नहीं होगा अभी तक? कुछ नहीं खाया मैंने। तो नाश्ता क्यों नहीं किया? नाश्ता था नहीं सर, ब्रेड से एक दो ब्रेड खाई है मैंने बस, नाश्ता बनाया नहीं किसी ने। नाश्ते में क्या था? नाश्ते में जो है ना वो डबल रोटी थी, क्योंकि हमने बनाने से मना कर दिया, छोड़ दिया। मैंने काम छोड़ दिया, इसने भी छोड़ दिया, ऐसा मैं या कश्यप भी नाश्ता वगैरह, और हमने छोड़ दिया ऑर्डर, तो कोई नहीं बनाता। मैंने कहा सब बोले घरेलू लड़कियां सफाई होती है ना, घर में कोई चीज बर्तन धुलते हैं ना खाना, तो लाओ ही नहीं काम करना, हमने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा। शुरू में क्या बोला था शो में? खुद बनाया। आपने कभी खाना बनाया नहीं होगा? मैंने बनाया था कल, और सबको खिलाया था, सुबह नाश्ता इनको दिया, सब कुछ दिया भाई, लेकिन जो पड़ा हुआ था वही बनाएंगे ना? हमने ही पड़े में से बनाया है। देखे ना उनकी एनर्जी लेवल्स, देखें अपने एनर्जी लेवल्स, देखें। बिलाल कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? आप तो एंड में बिल्कुल जम गए। हाँ सर, मैंने कहा हिम्मत दिखानी, इंशाल्लाह पूरे शो में कुछ खास कर नहीं पाया अपनी हद तक, और दोस्ती अपनी जगह, हार जीत अपनी जगह। मैंने आमिर को वही कहा कि दोस्ती ख़राब नहीं कर, तू इंजर्ड है और इंजर्ड हो जाएगा, छोड़ दे, क्योंकि इसने अपनी हिम्मत दिखा दी थी वो मटके वाले में। मैं हार नहीं सकता था, मेरे को जीतना था, ठीक है ना? अब वो इसकी गलती है कि इसने चांस लिया, और ये देखिए हालत आप देख सकते हैं। तो फाइनल थ्री जो है हमारे पास, अभिया वापस शो में, कैसे बच गई तुम? एकदम से ना मुझे बिलाल की कुछ बातें याद आ गई थी, मैंने आपको बेकार याद आ गई। एक मिनट, मैंने आपको बेकार का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने आपको बोला इन्वॉल्वमेंट कम है, ठीक है? तो मेरी तरफ से तो क्लियर हो गया, मैंने आपको कहा कि आप इन्वॉल्वमेंट कम शो कर रही हो, आप आंसू ज्यादा बहाती हो, आप आंसू ज्यादा बहाती हो, काम कम करती हो, आप हर रोज तो आंसू बहा रही होती हो, हमारी हमारी कोई पर्सनलिस नहीं है, हमारी कोई पर्सनलिस नहीं है, हमारी दोस्ती है भैया, दोस्ती को खत्म नहीं करोगे, इनके पीछे दोस्ती रहेगी, ठीक है? ये तीन लोग हैं जो विनर्स बन गए हैं। अब बाकी जो लोग हैं वो एक दूसरे को करेंगे चैलेंज, एक होगा मुकाबला, और उसके बाद जो उनमें से जीतेगा उनका इनसे मुकाबला होगा, और एक विनर होगा आज। तो मुझे बताइए
कौन किसको चैलेंज करना चाहता है वहां से? मैं करना चाहूंगी राबेल को। अबे यार ठीक है राबेल, सही है। राबेल और कशफ का मुकाबला होगा। आप दोनों को तीन तीन मिनट मिलेंगे। पहले एक बंदा यहाँ खड़ा होगा, बॉल्स उठाएगा, दूसरे को मारेगा, और दूसरे ने क्या करना है? बचना है। और क्या करना है? इनको भी बचाना है। और इनको किनको? कैच करना है। वो जो मटके बने हैं। कैच करना है, कैच करना है। ये जो यहाँ डिजाइन बना हुआ है ये आपने बनाना है। खाते खाते ये डिजाइन बनाएंगे, जितना इससे मिलता जुलता होगा उतना जीतने का इम्कान है। और आपने बॉल्स इतनी हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी, ऐसे मारनी है कि दो तीन मिनट तक ये ना बना सके। टोटल टाइम मैं क्लियर कर दूं, 5 मिनट का टाइम मिलेगा। जो डिजाइन ज्यादा सही बनाएगी लड़की वो जीतेगी। क्लियर हो गया? हमने भी बचना, डिजाइन को भी बचाना है। आपने तो डिजाइन बनाना है। और अगर बॉल लग गई इनको तो? बॉल मारनी तो है, मारम पिट्टी है, मारते रहना। ये जस्ट एक बॉल लगी तो खत्म। ये बॉल्स हैं, मारनी आपने ये जब खत्म हो गई तो आपका खत्म। तो 5 मिनट में दिमाग इस्तेमाल करते हुए करना है। इसको बनाने में भी दिमाग चाहिए थोड़ा सा। 5 मिनट में तो बन जाएगा। ज्यादा बॉल मार भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा? डिजाइन अगर बना लिया उसने तो काम खराब। पहले कशफ यहाँ आएंगी, राबेल वहां जाएंगी, फिर राबेल जाएंगी, कश्यप वहां जाएंगी। ठीक है, आ जाएं कश्यप यहाँ। हम इसके लिए कुछ चीजें यूज करेंगे? कुछ भी, वो दिमाग खुद लड़ाने। अच्छा, वो दो पोल्स जो लगे हुए वो भी सेम ऐसा बनाना है। अब स्टार्ट हुआ दूसरा टास्क और उसमें मुझे किया कश्यप ने चैलेंज। आपने एग्जैक्ट ऐसा डिजाइन बनाने की कोशिश करनी है 5 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर बाल्टी पड़ी हुई है। बाल्टी जब आप उठाने आएंगी, आप बाल्टी को कशफ हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन जब उठाने आएगी तो आप इसे रोक सकती हैं। तो आपने छीन कर जानी है, अगर आप हो सकता है 5 मिनट तक बाल्टी ही ना उठा सके। कशफ आप यहाँ से हिल नहीं सकती, आपके पास ये एरिया है, यहाँ ये लाइन जो है आपकी डेड लाइन है, यहाँ जा सकती हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती। सही है। जब ये बाल्टी छीनने आएंगी तब आप इन्हें रोक सकती हैं, पकड़ सकती हैं। और इसको यहाँ ले लिया तो? हाँ, यहाँ ले सकती है। ये, ठीक है राबेल, समझ गई? आजा बेटा तू। ये बाल्टी से बनेगा सब कुछ, जो भी बनना है, जो जो मैंने बता दिया है। आखिरी दफा दोनों से पूछ रहा हूँ, इसके बाद आप मुझसे सवाल कोई नहीं पूछेंगे, चाहे आप वहाँ जाए। ये मुझे टच तो नहीं कर सकती ना? ये आपको पकड़ के बिठा सकती है, आपको रोक सकती है, मार नहीं सकती। पानी लेने जा सकते हैं वहाँ से? हाँ? पानी लेने कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ठीक है। यहाँ खड़े होके बात मैंने सुनी, वो मेरी बात है, आपकी नहीं है। आप अपना काम करो। तो मुझे मेरे ऊपर भी आ सकते हैं ना? नहीं, तुम्हारा नहीं है ना उससे रिलेटेड। बस ठीक है, सही। रेडी गो। 5 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। कोशिश करना स्ट्रेट रहना है। 1 मिनट हो चुका है, एक बॉल जाया। अभी नहीं, नहीं कश्यप नहीं, अभी नहीं। एक बॉल गई तो जाया हो गई। बॉल जाया मत कर कश्यप। मुझे तोड़ना नहीं था, मुझे इसको मारना था। मैं तो बना रही थी कश्यप से एक निशाना नहीं लग रहा, क्योंकि वो हसद की मारी अपनी गंदी नजरों से मुझे देख रही थी और बॉल जो थे वो इधर उधर जा रहे थे। एक भी बॉल नहीं लगी कश्यप की अभी तक। कश्यप आखिरी 2 मिनट है आपके पास। राबेल बांधना लकड़ी पे, 1 मिनट है, आखिरी मार। अब ना तुम मार, टेंशन नहीं ले, मार अब मार, जल्दी कर राबेल, टाइम नहीं है, कंप्लीट। डिजाइन पे मार, जल्दी मार मार, डिस्ट्रैक्ट कर उसको, मार राबेल, थोड़ा सा वेट कर, मार। आखिरी मार, 1 मिनट है, नहीं मिला, हाथों पे मार। बाल्टी पे आखिरी 30 सेकंड है। मट्टी फरने दे, रोक, फिर खराब करियो। मार कश्यप, बाल्टी पे मार कश्यप, रख के मार, रुक मार मार। आखिरी 15 सेकंड, राबेल जल्दी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो। गई गुड।
बना बना हाथ से हाथ से हाथ से गुड 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 हाथ से जल्दी हाथ से जल्दी हाथ से हाथ से हाथ से हाथ से हाथ से जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा कश्यप बड़ा बड़ा कश्यप तेज कश्यप तेज क्या कर रही है बना बना सही कर रही है कश्यप तेज 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 गुड गोइंग तेज कश्यप तेज सही है ओहो हो कश्यप यूं करके बैठी हुई थी और जब मैंने कश्यप को मारा मेरा तो दिल सुकून हो गया कि मैंने इसकी मार दी है। एक मिनट हो चुका है। डंडे लेके आ कश्यप डंडे लेके आ अबे डंडे लेके आ कश्यप इधर 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 कश्यप डंडे लगा बड़ा फाट आ दे एंट्री पे घुसा दे अंदर घुसा दे घुसा दे दबा के दबा के कश्यप डंडे छोड़ कश्यप डंडे छोड़ जल्दी बना डाल डाल चल कश्यप अबे पहले साइन को तो हटा साइन हटा साइन हटा आखिरी एक मिनट है खत्म। कश्यप और राबेल में से कौन जीता है ये बाद में पता चलेगा। इस वक्त मुकाबला होगा कौन किसको चैलेंज करना चाहता है। दानिया दानिया को करना है। आ जाओ पहले दानिया बनाएंगी और आप मारेंगे। आ जाओ रेडी एंड गो। एक मिनट हो चुका है। आखिरी दो मिनट है आपके पास और जब यहाँ ने बॉले मारना स्टार्ट किए मुझे मेरी तो ऐसे दिमाग खुल गया मेरा। मतलब कि याया तुम इतना तो देख लेते कि आगे कौन खड़ा हुआ है। दोस्त हूँ तुम्हारी मैं और जब तुमने ऐसे करके डू करके बॉले मारी है मेरी तो खोपड़ी टेढ़ी हो गई साले। आखिरी एक मिनट है आपके पास। सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप गो। अल्लाह जल्दी कर आया जल्दी जल्दी कर आया जल्दी आया फास्ट आया गुड आया यू कैन डू इट। आखिरी दो मिनट है। बना लेगा यार तू जल्दी कर शाबाश। आधी आधी भरना पूरी पूरी के पीछे क्यों पड़ गया। गोल गोल घुमा इसको गोल गोल घुमा के उठाना। आखिरी एक मिनट है। ओ जबरदस्त यार और बना और। आखिरी 30 सेकंड है। यार 30 सेकंड है जल्दी बना। आखिरी 30 सेकंड हाँ उस वाले को बचा के रख जो तूने बनाया है। आखिरी 20 सेकंड है। दस सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुबाइशा आप अभिया बिलाल और आमिर में से किसी को चैलेंज कर सकती हैं।
बिलाल। एक उनमें से लूजर भी जीती वो थी रुबैशा, उसने मुझे चैलेंज कर दिया और मैं उस वक्त बोल गया था कि भाई मैं पिछले टास्क का फाइनलिस्ट हूँ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन जब मैं उठा फिर मैंने एक्सेप्ट किया, फिर ओकार भाई ने अचानक से ब्रेकिंग न्यूज दे दी। बिलाल हाँ, आप तो विनर थे तो ये क्या किया आपने, दिमाग नहीं चला आपका? आपने चैलेंज किया भी तो आपको क्या करना चाहिए था आमिर सर? ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। आप करते? मैं तो विनर हूँ ना, मैं जीत गया हूँ, मैं क्यों करूँ? अब नहीं कर सकते, अब हो गया। आप बोलते हैं मैं तो विनर हूँ भाई, अब तो फंस गए, अब जीतना पड़ेगा दोबारा आने के लिए, वरना आपकी जगह ये आ जाएगी। ये आपको समझ नहीं आया, जब तीन लोग बैठे हैं तो आपको चैलेंज कर रही है तो बाकियों के साथ तो चैलेंज होगा नहीं, एक इतना मुश्किल चैलेंज करके आए हो तो। बिलाल गो। सामने थे बिलाल और उसकी थी इतनी बड़ी तशरीफ, मैंने तो रख रख के बोले मारी, लेकिन जो जोश में मेरे साथ हुआ है। उसकी तशरीफ पे हिट करो। कर रहा हूँ। एक और, आखिरी एक मिनट है। दिखा दे आज अपनी तू। मार, एक मिनट तो रह गया, जल्दी जल्दी मार। आखिरी 15 सेकंड है। मार मार, सारी मार दे, मार। रुबैशा गो। रुबैशा सामने वाला ही उठाना, जल्दी कर जल्दी, और बड़ा बड़ी बाउंड्री बनाना, बीच में जगह नहीं रहती। तू गलत कर रही है, इधर से बाउंड्री बना, इधर बना, इस तरफ बना, उधर से छोड़ दे, इस तरफ बना, सबसे सामने वाला। भाग रुबैशा, भाग के ले आ रुबैशा, जल्दी ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। हाथ लगाना बाल्टी को। अबे लाल आगे देखो, हाथ नहीं लगाना। आखिरी 30 सेकंड है। बीच की बाउंड्री ठीक कर, इसको छोड़ दे, बीच की बाउंड्री नहीं हो रही सही से परमानेंट। सही कर, बिल्कुल सही कर। आखिरी ज्यादा कर, मिट्टी ज्यादा कर, मिट्टी 10 सेकंड। वहां से सर, उस तरफ से सही कर। हां, हाथ से बना, हाथ से बना, हाथ से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तालियां बजाएं अपने लिए। लेकिन सबके सब डिस्क्वालिफाई हो गए हैं। पूछे क्यों? क्यों बताएं? बाल्टी पकड़ ली सबने। मैं बता देता हूँ। बाल्टी सबने पकड़ी, सबके सब लाइन से बाहर गए। एक तो बिल्कुल भागती हुई पीछे चली गई, ये डी बना हुआ है, लाइन से बाहर गए, बाल्टी को टच हुए। बाल्टी को तो कुछ भी टच नहीं होना था, घुटने रख के बैठे हुए थे ऊपर। अब मुकाबला होगा दो दो की टीम्स बना के। जी टीम बताएं क्या क्या बनेगी। मैं और बिलाल। चार की दो टीम्स बोल रहे हैं, उनको भी पता है चार बनेंगे। यही टीम होगी जी या चेंज करनी है? रेडी है खेलने के लिए जी? कैसी तबीयत है आपकी सर? सही है, लेकिन हम तो विनर हैं, हमें तो खेलना चाहिए ना आगे।
हम क्यों टीम बना गए इनके साथ खेलने, लूजर्स के साथ? ये डिस्क्वालीफाई है तो हम अभिया और मेरे बीच मुकाबला फाइनल होना चाहिए ना। अकलमंदी लड़ाई, इसलिए अभिया और आमिर जो है पहले गेम के विनर है ना। हाँ ना सर। तो आप लोग नहीं खेलेंगे लेकिन आप दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। सही है सर, एक ही विनर होगा ना। हाँ हाँ। तो अब कौन सी टीम बची? राबेल और बिलाल और वो चार। बस कर बहन। अबे बचाओ मुझे राशन अच्छा। अबे बस कर ना। करना सबर करना। नहीं कर अभी और गए ना तो सॉरी को तंग करने के लिए बोलो ना। पहले से ग्रुप कर दो सर। हमने वैसे भी टीम छोटे छोटे हैं, तुम सारे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हो। हैं? ओह बात नहीं है, समझ आया, कोई बात नहीं है। अबे ऐसी कोई सब इक्वल है। हमने पहले अपने आप को वीक समझा जब भी तो तुम्हें। अब हुआ तीसरा टास्क। पता नहीं कहां कहां से इनको भी टास्क मिल जाते हैं। जमीन के अंदर चबा दिए पिट्टू। अब होगा ये कि आप सब के सब एक चैलेंज में कॉम्पीट करेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि उसमें सब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैलेंज था उसमें बिलाल, अभिया और आमिर तीन विनर्स थे, और विनर्स नहीं थे, गेम रोक दिया था हमने। तबीयत खराब हुई थी बेसिकली, आमिर की तबीयत खराब थी और बिलाल की तबीयत खराब थी। अभिया रुक गई थी, गेम तो नहीं रुका था ना। अब सबके पास चांस है एक विनर बनने का। पिट्टू यहाँ हमने कुछ छुपा दिए हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा पिट्टू होंगे और इसी एरिया में है वो जो लाइन बनी हुई है, और जिसके पास पिट्टू आया फर्ज कर ले आपके पास आ गया, दूसरे ने बॉल मारी आपको जैसे मारम पिट्टी में होता है तो पिट्टू कैंसिल। इसका मतलब ये है आप गए अंदर, पिट्टू ढूंढा, दूसरे ने बॉलें मार दी आपको, आपके पास कम बॉलें लगनी चाहिए और पिट्टू ज्यादा होने चाहिए। पिट्टू होने चाहिए सर। एक ये कि आपने जमीन के अंदर पिट्टू छुपा दिए हैं, वो जो सबसे ज्यादा जो ले लेगा वो जीत जाएगा, और जिसको सबसे ज्यादा बोले कम पड़ेंगी वो जीत जाएगा। पिट्टू छीन नहीं सकते एक दूसरे के हाथ से। नहीं नहीं हमें जीतना है। एंड गो। बॉल बिठा। अबे भैया पकड़ जाने दे। इतने सारे पिट्टू है मिल ही नहीं रहे किसी को। चले जी आखिरी एक मिनट है, किस किस के पास पिट्टू है हाथ खड़ा करे। मार उसको मार। क्या है क्या? बच 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 दानिया, बाहर नहीं जाना दानिया। लग गया बॉल। इसको मारा किसी ने? या मार इसको। अबे नहीं लगी। बहुत बैक बहुत बैक। चल बच बच। मार 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 यार उसको, बॉल मार। ये हाँ मार ना। बॉल किधर? चले खत्म, बॉल खत्म। पिट्टू दिखाएं किसके पास कितने हैं। दानिया के पास दो, राबेल के पास दो। ये क्या फेंका है आपने अभिया? मुझे पता ही नहीं था पिट्टू आ गया। मुझे राबेल जीत गई, मुझे ज्यादा लगे उसको एक बॉल। बात आ गई बॉल्स किसको ज्यादा लगी। और ये मुकाबला राबेल जीत गई है क्योंकि बॉल ज्यादा लगी है दानिया को। दानिया आपको लग रहा था इतनी बॉल्स मारेंगे आपको? हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि इनको लगता है मैं स्ट्रांग हूँ और ये सब मुझे निकालना चाहते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बॉल सिर्फ मैंने ही मारी है। आपने मारी है? जीते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये जीते, डिजर्विंग नहीं है ये। मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तभी तो सबसे पहले मैंने निकाले। अब राबेल ये डिसाइड करेंगी आप में से वो कौन से पांच लोग हैं जिनको वो शो से निकालना चाहती है, अभी बैग पैक करके घर भेजना चाहती है। जी राबेल, नाम नंबर वन। बिलाल भाई, याया, दानिया, रुबैशा और कशफ। तो ये पांच लोग हैं जिनको आप निकालना चाहती हैं। बिलाल आपका नाम क्यों लिया होगा, आपकी तो दोस्ती है। पार्टी चेंज मजबूरी में सर। बीच में नहीं बोलना। ओके सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा लगा यहाँ तक? हाँ। जाते हुए क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा शो में कोई भी चीज अनफेयर नहीं होती, सारी चीजें फेयर होती हैं, और बस थैंक यू। जी आया शो में, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था, बचपन से शौक था आने का, आया शो में मजा आया। जी दानिया, मुझे अच्छा लगा, मैं शो में ये देखने आई थी कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और वो मैंने देख लिया है,
और इन्होंने मुझे निकाला भी इस वजह से क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर हूँ और मैं डिजर्विंग हूँ. आई नो दैट इन लोगों की बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंडली आमिर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर, आपने आपको स्ट्रॉन्ग समझ दिया. कुछ भी नहीं है ये. कुछ भी नहीं है. नहीं, मैं नहीं समझता इसे स्ट्रॉन्ग. अच्छा जी कश्यप. यही कहना चाहूंगी कि मैंने यहाँ आके सबक सीखा है कि सामने वाले को कैसे फेस करना है और उसकी कैसे बैंड बजानी है. यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे पता था हमेशा से कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ किया. लेकिन अगर थोड़ी लिमिटेशंस ना होती तो फिर मैं अच्छे से बता देती कि मैं क्या चीज़ हूँ. तो गेम एकदम पलट गया, पांच लोग बाहर हो रहे हैं. अच्छा आमिर आपको क्या लगता है कौन ये जो इसमें भरम मार रहा है, कौन है वही है? सर मुझे दानिया लगती है, बहुत भरम मारती है शुरू से. जब से आई है एक बार हरा दिया मुझे प्रीमियर पे, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है. वो भी एडवांटेज था उसके पास, तभी हराया है इसने. तो आपको लग रहा है ये सही नहीं, ऐसे ही हो रहा है? नहीं सही है सर. नहीं 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 सही है. नहीं, नहीं. बीच में जो बोलेगा वो तो फंसेगा. नहीं सर सही तो है. आखिरी मुकाबला होगा दानिया और आमिर का. नहीं सर मैंने कब बोला? अभी आपने बोला वो तो हल्की है. नहीं मैंने उस हिसाब से नहीं बोला हल्की है, मैंने कहा खुद को बोलती है वो. दानिया गेम बजा दो. आप लोग कन्विंस कर सकते हैं इनमें से किसी को चैलेंज के लिए बचने के लिए? मैं नहीं कर. मैं राबेल को चैलेंज करना चाहता हूँ. अगर है हिम्मत तो आप. राबेल को मेरे तो हाथ ऐसे पाऊं भी ऐसे करेगी ना. आना राबेल आना करके बात करते जी. दानिया और आमिर का एक आखिरी मुकाबला होगा क्योंकि आमिर ने बोला नहीं सर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया. मैं दे रहा हूँ. नहीं सर इसलिए बोलते हैं जब बात हो रही हो तो बीच में हीरो नहीं बने कोई भी. जी रुबैशा. मैं राबेल को करना चाहूंगी क्योंकि वो अपने आप पे कुछ नहीं कर पाती, वो दूसरों की हेल्प मांगती है. जी आपने एक्सेप्ट करना है? नहीं. जी कश्यप किसको? मैं जाती हूँ उसको राबेल को ही देना क्योंकि राबेल अपने बल पे कुछ नहीं करती, चला इन लोगों को चला रही है घर में. पपिट्स पपिट्स भाई अगर अपने आप को डेरिंग ये गलत बोल रहे हो. पपिट्स नहीं बोलो. कौन है अगर अपने आप को डेरिंग समझते तो एक्सेप्ट करो ना. पपिट्स हो पता चल जाएगा कौन अपना डेरिंग है. लोग पपिट नहीं हूं मैं. पपिट्स तुम लोग पूरी दुनिया देखे कि उसको पता चल जाएगा. वो मेरी दोस्त है. वो घर में मैं उसने कल तो गाली ली तब दोस्ती थी. गाली कभी नहीं दी इसने. आमिर बता तुम बेटा घर जाके शो देखोगे एक गाली भी अगर इसे नहीं दी होगी अपना नाम दानिया मैं एक बाप की औलाद नहीं हूं. मैं उसके मुंह पे बोल देती हूं. वो तो देखा है कितना थोड़े से दुश्मनी कर तुझे ये दिखा दे कि इसकी क्या औकात है. उठा के घड़ी दे दी फौरन देखे बगैर घड़ी. बिलाल को तो दिखाई दी घड़ी. दे दी जता दिया ले देख ले. चाय दे तू पांच. उसने बोला मुझे चाहिए. मैंने बोला तुम ज्यादा दफा तो जता चुकी है वो तुझे. जता चुकी है घड़ी दे दी कि ये मेरा लॉयल दोस्त है. तुम उसके बलबूते पे जीती अकेले मुझे गिरा के दिखा देती. तुम तो नहीं बोलती तो अभी बचाओ मुझे. वो भी है आमिर एक बार इससे मुंह मोड़ ले. देख तुझे अपनी औकात ना दिखा देना तू मेरा नाम बदल देना. आमिर उसने मुझे ये बोल दिया तुम जाके. अच्छा तुम लोगों को कन्विंस करना भी नहीं आता ना. किसी को घेर के कन्विंस भी नहीं कर पा रहे. क्या बोल रहा है मतलब आप जी. दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि कन्विंस. आमिर आप उसको जाके उसने मुझे ये बोल दिया आप जाके उसके कपड़े खराब कर दो. आमिर आप उसके मुंह पे जाके ये कर दो ये कर दो. ये बात आपको तो बोलनी थी. खामोश राबेल तुमने नहीं बोलना. अभी तुम्हें भी चैलेंज में खड़ा कर दूंगा. मैं मुझे नहीं बोला है इसने. मैंने खुद किया है जो भी किया. और आप बता रहे थे कि वो अंदर रो रही है यार तो मुझे करना पड़ रहा है. मैं किसी और का नहीं बोला. आपने कशप का आके बोला. आपने बोला था बोला था. आपने बोला वो रो रही है. मैंने खराब कपड़ों के लिए नहीं बोला. मैंने बोला तुमने गलत बात की है तभी वो रो रही है. हां मैं तुम्हारे कपड़े खराब करूंगा. रो रही है उसको मेरे लिए. गलत बात कर रही है. एक मिनट रुके. तुम झगड़े कराना चाहती हो. आप लोगों को बताना भी नहीं आता. आप आमिर को ये बता रहे हैं. अभी आपको अपने आप को बचाने के लिए किसी को इसमें से पकड़ना चाहिए. आप कह रहे हैं कि नहीं. यहाँ पर सबसे अहम चीज समझ लें. आपने आमिर को कह रहे आमिर अगर तुम एक दफे से मुंह फेरोगे अगर तुम इससे दुश्मनी करोगे तो जाहिरी बातें लड़ाई होगी. ये कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो. कोई मुंह फेरेगा तो उससे लड़ाई नहीं होगी. तुम लोगों को कन्विंस करना नहीं आता. सर ये मेरी लॉयल फ्रेंड है ये तो जलती है. ठीक है लेकिन दो लोगों ने तो चैलेंज कर दिया ना. सर मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया. सर नहीं नहीं एक्सेप्ट आप नहीं. आपने बोला है वो हल्की है. सर मैंने हल्की नहीं बोला. आपने मेरे अल्फाज सुने नहीं. नहीं मैंने बोला मैं खुद को समझ के है नहीं. अरे डरो नहीं ना. मैंने हल्की नहीं. अरे डरो नहीं ना. नहीं रहा मैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करूंगा. अरे डरो नहीं ना. क्यों मैं सेफ साइड हूं. अरे डरो नहीं ना. मैं सेफ साइड हूं. अरे डरो नहीं ना. कोई बात नहीं. हल्की हूं ना. हरा दो चली जाऊंगी. मेरे अल्फाज सुन लो तुम. हल्की हूं ना. मेरे माइक पे अल्फाज सुन लो. हरा दो चली जाऊंगी. हल्की हूं हरा दो चली जाऊंगी. हो नहीं मैंने ये कहा. हरा दो चली जाऊंगी. सिर्फ योगा और डांस ही तो आता है मुझे और आता क्या है मुझे. आप लोगों ने मुझसे तो पूछा नहीं मैं क्या चाहता हूँ. आप बता दे सर. ब्रेकिंग न्यूज़. ब्रेकिंग न्यूज़. ब्रेकिंग न्यूज़ तो अभी आई नहीं है. राबेल तो जीती है. मैंने तो सिर्फ ये पूछा राबेल किसको निकालना चाहती है. मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं भी निकालना चाहता हूँ.
में से जितने भी लोग खड़े हैं इनमें से एक विनर और होगा। उस विनर को डिसाइड करने के लिए देखें क्या नजर आ रहा है पीछे। ऊंट। और क्या नजर आ रहा है? लोग भी आ रहे हैं, लोग हैं। कन्विंस करना किसी को सबसे अहम हिस्सा है शो का। बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों को यहां पर 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में जिन 2 लोगों का नाम मैं लूंगा वो जाएंगे, भागेंगे नहीं, आहिस्ता चलेंगे। कैमरामैन जज होगा आपका। आपने जाना है किसी भी अननोन बंदे को पहले कन्विंस करना है कि वो आपके लिए ऊंट पे भेज जाए। ऊंट पे बैठाना है? अरे यार भाई, ऊंट पे। हाँ हाँ, ये सही है, ये सर वो लड़कियां नहीं बैठेगी। आप क्या सोच रहे थे सर? विनर अभी तक एक है। अच्छा, हम लोग करेंगे? आप लोग सब करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ दिल की भड़ास बताई राबेल की कि किसको वो निकालना चाहती है, ताकि घर में पता हो दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते। देख लो बिलाल। नहीं नहीं है। अब करना ये कि यहाँ से आपने जाना है। जाने के बाद 2 लोग जो हैं अननोन लोगों को कन्विंस करना है कि किसी तरह पप्पी हो जाए। ओके। आप लोगों को जो लगता है कि हमारे टास्क बहुत आसान है, आराम से जाएंगे, कोई भी हमें देख के करने देगा कि भाई कर लो, चलो कोई मर्जी नहीं, बच्चे तो हैं, तो नहीं, ये सब होता नहीं है यार। डर क्यों रहे हो? मैं मारने आ रहा हूँ क्या यार? डर रहे हो? एक काम है, एक काम है भाई। सिंधी हो? नहीं, पंजाबी। पंजाबी हो ना? अब पंजाबी हो, सिराइकी हो? हाँ, सिराइकी। सिराइकी है ना? एकड़ी किस दे छोड़ो, ऐसा कैलोरीज दे भरवेंदे पे दे थे शो। अच्छा, कैलोरीज बन थी ना, वजन घट थी ना। तो गाल दे, गाल दे, कुछ नहीं ना थी दी, कुछ ना थी दी, कुछ ना थी दी। एक सिर एकड़ी को मसला नहीं है, मर्द थे यार, को मसला नहीं है। देख भाई, हम ऐसा नहीं करते, सॉरी। तो सा सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी, आई एम एक्चुअली शूटिंग फॉर अ सोशल एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये लाइक, हेयर इज़ अ चैलेंज बिटवीन आवर फ्रेंड्स, कि हम सब सोशल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम ना शूट करें, कि लोग स्पेशली लाइक एक लड़की जब एक ऑब्वियसली दूसरी फीमेल लेडी से ही एक मतलब कि फ्रेंडली एक ऑफर करती है दैट आई वॉन्ट टू किस यू बिकॉज यू आर वेरी क्यूट, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सो आर यू अप फॉर दैट? कैन आई किस यू ऑन योर चीक्स? मैं आपको किस कर सकती हूँ? आप क्यों नहीं कर सकती? आप मेरी बेटियों की तरह है, क्यों नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, मैं आपको किस कर सकती हूँ आपके चीक्स पे? थैंक यू आंटी, थैंक यू। कैन आई किस यू ऑन योर चीक्स? थैंक यू आंटी। कैन आई किस यू? थैंक यू। कैन आई किस यू? Thank you. Can I kiss you, please? Thank you, auntie. Can I kiss you? Can I kiss you? Thank you so much. You all are very lovely. Thank you so much. Bhai, kaun ho? Musalman hai. Musalman ho? Sindhi ho? Muhajir ho? Kya ho? Urdu speaker ho? Nahi, nahi, task mein. Urdu speaker hai na? यार एक किस दे दे, कैलोरीज जो होती है ना बर्न साइंस पे। अगर मुझे कैलोरीज बर्न करनी है आपकी, मेरी नहीं करनी है, मेरी आपको कैलोरीज बर्न करनी है। मतलब मुझे देखना है आपका वजन कितना कम हो सकता है किसके बाद। जल्दी बताए, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं खुद। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। Can I kiss you? Oh, it's okay. मौलाना साहब, एक रिक्वेस्ट है। एक कैलोरीज होती हैं जो बर्न्स होती हैं इंसान की, जब वो किस लेता है किसी से तो उसका मोटापा कम होता है। एक किस करना चाहता हूँ आपको गाल पे। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगर आप चाहें तो प्यार से, अगर नहीं चाहें तो आपकी मर्जी। सर सर, एक रिक्वेस्ट है भाईजान जी। एक कैलोरीज होती हैं जिस्म में इंसान के मोटापे, जैसे आप फिट हैं ना, तो एक किस करने से उसकी कैलोरीज कम हो जाती है। हमें ये देखना है आपकी कितनी कैलोरीज कम होती है। आपकी चीक पे एक किस कर लूँ मैं? नहीं भाई। अंकल, एक हम सर्वे कर रहे हैं साइंस की तरफ से कि किस करने से कैलोरीज बर्न्स होती हैं, मतलब जल जाती हैं, उनका मोटापा कम हो जाता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गाल पे आपको किस कर लूँ। थैंक यू, थैंक यू।
आपके पास आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबिया है। एक्चुअली मेरा एक शूट चल रहा है और माशा से बहुत प्यारी लग रही है। इस यादगार लम्हे को मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहूँगी। क्या मैं आपकी इस ग्लोई सी स्किन पे एक किस कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। थैंक यू। हे, हाय, हाय, माय नेम इज़ अबिया। एक्चुअली मेरा एक शूट चल रहा है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर आप बुरा नहीं माने मैं आपको किस कर सकती हूँ? यस, आप कैमरे की तरफ देख लें। थैंक यू सो मच। आंटी, आपसे बात कर सकते हैं? बात कर सकती हूँ आपसे? मुझे आप बहुत अच्छी लग रही है, वहाँ से आपको देखते आई हूँ। मैं आपको किस कर सकती हूँ गाल पे? एक चुम्मा कर सकती हूँ आंटी? आपको कर लूँ? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपको किस कर सकती हूँ गाल? थैंक यू। मैं आपको कर लूँ? नहीं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, आ जाऊँ आपके पास? बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, 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 अम्मा मैं एक्चुअली आपसे मिलके बहुत खुश हुई हूँ। अच्छा। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपसे मिली हूँ। अगर अम्मा आप बुरा नहीं माने तो मैं आपकी खूबसूरत गाल पे एक छोटी सी चुम्मी ले लूँ? अम्मा जरा इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। कैसी हो? तबीयत कैसी है? बहुत दिनों बाद देखा है आपको। ठीक हो ना? घर में सब कैसे? बहुत मजा आया आपसे मिलकर। नहीं कर सकते? हाँ भले। थैंक यू। आपको थैंक यू। मैंने खुद नहीं, मैं फेरो फेरो नॉन आईलाइनर बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सच्ची में। ओके डन डन डन। आपका मैंने किए नहीं कर लूं? हेलो, मैं आपके पास आ जाऊं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबिया है। माशे से बहुत प्यारी लग रही है। एक्चुअली मेरा एक शूट चल रहा है और मैं इस यादगार लम्हे को, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे मिली हूँ और इस यादगार लम्हे को और ज़्यादा यादगार बनाना चाहती हूँ। आपकी ग्लोई सी स्किन पे किस ले लूँ? आप कैमरे की तरफ देख लेंगे? थैंक यू सो मच। एक मिनट, भाई एक काम है आपसे, हमारा वीडियो शूट हो रहा है, मैं आपको पप्पी करना चाहता हूँ। पप्पी, मैं आपको पप्पी करना। क्या मैं आ सकती हूँ? मैं आ सकती हूँ उनके पास? हाँ, घोड़ा तो हटा है। आंटी मैं आपसे बात कर सकती हूँ? सर एक काम है आपसे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। वो हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं और जो है हमें एक वीडियो बनानी है। मैं आपकी गाल पे किस ले सकती हूँ? आपके थैंक यू सो मच। यार हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है, मैं आपको पप्पी करना चाहता हूँ, कर लूँगा? नहीं सर, एक मिनट। जी सर, सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है तो सर उसकी थीम है कि मैं आपको पप्पी करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? कहाँ पे? यहाँ पे कर सकते? एक पप्पी इधर। थैंक यू, एक पप्पी हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं आपके गाल पे किस ले सकती हूँ? आपके 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 तो आपके थैंक यू सो मच। आपके आपके यार हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है, उसका एक थीम है कि मुझे आपको पप्पी करनी है, तो आपकी परमिशन है कि मैं आपको पप्पी कर सकता हूँ? पैसे लगेंगे? नहीं पैसे नहीं लगेंगे ना। आपके आपके मैंने किस ली? ऐसे ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा चलें ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं आपकी एक केस ले सकती हूँ? साईं आपसे एक काम है, हमारा वीडियो शूट हो रहा है, थीम है कि मैं आपको पप्पी कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, ओके। नहीं कोई आया ही नहीं रहा यहाँ पे, इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहाँ पे चलते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे। यार यहाँ पे तो मुझे कोई लड़कियाँ ही नहीं हो रही। हेलो गाइस, मैं आ सकती हूँ? मैं आ सकती हूँ? Can I come? आपसे एक बात करनी है, थोड़ी सी। नहीं कर सकती, थोड़ी सी। सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है कि सर मेरे को आपको करनी है, पप्पी करनी है, तो परमिशन है आपकी? नहीं भाई, हो गया। इसको हाथ पे नहीं, करेंगे बिल्कुल करेंगे, ये वाली ना जल्दी बता दें, टाइम नहीं मैं आपको बिल्कुल जल्दी बता रहा हूँ। कौन सी वाली बात? अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ब्रो? सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है, उसकी एक थीम है कि मुझे आपको पप्पी करनी है, तो कर सकता हूँ पप्पी? नहीं, ठीक है, आइयो। सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है, उसकी एक थीम है कि मुझे आपको पप्पी करनी है। यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, क्या मैं आ सकती हूँ? कैन आई कम? प्लीज थोड़ा सा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक शूट चल रहा है, मुझे जो है क्या कहते हैं आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी मामा, मेरा एक शूट चल रहा है, मुझे ना आपके गाल की एक केस चाहिए, क्या मैं ले सकती हूँ? थैंक यू। क्या मैं आपके गाल की केस ले आपके? सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है, उसकी थीम है कि मुझे आपको पप्पी करनी है, तो कर सकता हूँ पप्पी? आपको पप्पी कर सकता हूँ? हेलो गाइस, हेलो, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक शूट चल रहा है, मुझे आपके गाल की एक केस चाहिए, क्या मैं ले सकती हूँ? प्लीज सिर्फ एक केस, क्या मैं आपके गाल की केस ले सकती हूँ? सर हमारा एक वीडियो शूट हो रहा है कि मुझे आपको पप्पी करनी, कर सकता हूँ पप्पी? किसी और को। हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं आपसे मिल सकती हूँ? हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? हमको एक थीम मिली है कि मुझे आपको पप्पी करनी है। हालत देखो, कर सकता हूँ पप्पी? नहीं नहीं भाई। अच्छा यार बॉस, हमको एक थीम मिली है कि मुझे आपको पप्पी करनी है, कर सकता हूँ किसी को भी? खुद मीडिया वाले हम लोग सारे कैमरामैन हैं, रोज रोज मिलती है। Yeah, the
थीम का शूट है भाई। कौन से थीम का शूट? हंसाने का शूट है भाई, हंसाने का शूट है भाई। भाई कैमरा भी पकड़ो, यार एक मिनट भाई, क्या चल रहा है? मुझे क्यों पकड़ना? अरे एक मिनट, सॉरी यार। अरे जुए भाई, अच्छा जुए भाई पकड़ो, जुए भाई जुए तो भाई पार्टी से जब मैं निकला जान बचाते बचाते, लेकिन लोग मेरे पीछे लगे, मुझे लग रहा है कि ये इंसानों का कबीला तो नहीं है, लग रहा है अफ्रीका से आए हुए। बड़े बड़े बंदर होते हैं ना, काले काले हबशी टाइप के बाउंसर, वो भी एक हाथ लगाए तो बंदा वही टेटे। जी बिलाल क्या हुआ? सर बहुत खतरनाक आज एक्सपीरियंस हुआ। हुआ क्या था? आज वाकई में मेरी इज्जत बच गई। ऐसे मैं हर रोज तकरीबन मेरी इज्जत जो है ना वो क्या हुआ मतलब इसके मतलब आज तो मैंने रियल में बॉडी गार्ड देखा, जो कि फुल मुझे बड़ी मुश्किलों से जब कोई टीम ने छुड़वाया और को मैं आवाजें दे रहा हूँ भाई खुद डरे हुए। मैंने कहा भाई मेरी जान तो बचाओ यार। तो वहाँ पे लोगों ने इंटरटेन भी हुआ, भी शूट से भी मना कर दिया, जस्ट नॉट फेयर यार। बहुत गंदी हरकत है। क्या हुआ? क्या हुआ है? पूछ लो। क्या हुआ है? सरसारे गंदी हरकत है ये इसके साथ। एक तो पता नहीं सबको क्या है, ये का बड़ा शौक है करने। उसके अलावा भी सर फेस मतलब फुल ले लिए मजे मेरे। बाद में आप लोगों की टीम के बंदे आ रहे हैं ऐसे ऐसे चल के, टीम मेंबर कैमरामैन क्या करे, एक हाथ से कैमरा पकड़े के मेरी इज्जत बचाए कि वो रिकॉर्ड करे कि उनकी एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करे, तो क्या क्या करे। और आपकी टीम बड़ी लेट आई, अगर थोड़ी सी और लेट हो जाती ना तो मैं यही पे बुल न्यूज पे शूट हो जाता। कौन क्या कर रहा था सर? पता नहीं, एक तो आ गया है ब्लैक बंदा, मुझे पता नहीं उसके हाथ में वो वॉकी टोकी था, वो रोक रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे साथ शूट की ऑफर करो। देखा भाई बाद में कॉन्टेक्ट कर देना। शूट मतलब सर उस टाइप का शूट नहीं, पता नहीं किस टाइप का, वो जब देखने से तो बड़े खतरनाक लोग लग रहे थे। मैंने तो वहाँ जान बचाई, मैंने कहा टास्क को छोड़ो पहले अपनी इज्जत बचा लो, टास्क में जीतना हारना तो होता रहेगा, यहाँ पे टास्क के चक्कर में अपनी इज्जत खो दूंगा तो बाहर तो मेरी हिमेश के ऐल लग गए। लेकिन आप वहाँ क्यों जा रहे थे? वहाँ तो नहीं जाना चाहिए ना सर, वहाँ नहीं जाना। देखिए किसी की प्राइवेट, आपका यहाँ था टाइम, आप घूम कर वहाँ जा रहे, वहाँ क्यों गए सर? वहाँ पे लोग ज्यादा थे ना। आपके पास जब है ही एक मिनट, आप भागते भागते अपना टाइम आपने जाया कर दिया सारा। या का तो सीन अभी हुआ ही नहीं, बाकी है। रुबैशा क्या हुआ? किस से? हो गया आराम से? आराम से हुआ। कितनी आपने? एक बंदी ने मना किया था, बाकी पता नहीं 12 होंगी 13 होंगी। जी कशफ क्या हुआ? मैं गई, पहले मैंने उनको बताया कि मेरा शूट चल रहा है, मतलब कि हमारा शूट चल रहा है, मतलब मेरा, तो मैंने मतलब यहाँ वहाँ का कुछ भी नाम नहीं लिया। उसके बाद मैंने उनको कहा, हाथ मिलाया, मैंने उनसे कहा कि मुझे ना आपकी किस चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे किस दी। उसके बाद फिर मैं उस साइड पर चली गई और मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम उनको बगैर बताए लें, तो आपने कहा था बगैर बताए भी ले सकते हैं। तो फिर जब मैं वहाँ गई, फिर वहाँ जाने के बाद मुझे ना एक से दो लोगों ने मना करा। जी दानिया मैं गई और सबके पास, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। आपने? मैं गई और मैंने उनको कहा क्या मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया, किस ली। ठीक है, आपने क्या किया बिलाल? सर मैंने ये बोला कि हमारे एक, बोला नहीं किया क्या सर, मैंने उनको पप्पी दी, एक पप्पी मिली, बाकी सारे लोगों ने इनकार कर दिया। सर मैं गया उनके पास, लोग थे, मैं किया क्या, मैंने उनको मतलब बोला कि किया क्या साइंस में मैं एक्सपेरिमेंट, मैंने किस किया सर, लेकिन वो लोंडे बाज थे सर, वो तो मुझे करना चाहते थे, मैं भाग गया वहाँ से, लाइन बदली। ये क्या था सर? ये लड़के यहाँ पे जो आए हुए हैं ना, वो तो मतलब बोल रहे थे मैं आपको किस करना चाहता हूँ। वो आपको करना चाह रहे थे? हाँ सर, वो मुझे करना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं रहे थे मुझसे, तो मैं भाग गया एक
मुश्किल से मिला मुझे अंकल। बिलाल आप तो मशहूर हो गए हैं जी, फैन मिल रहे थे? हाँ सर, नहीं सर, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी पहचान छुपाऊँ, लेकिन वो शक्ल देख पहचान जाते हैं। कोई बात नहीं, पहचान की छुपाओ, मशहूर हो, क्या हो गया इसमें जी? क्या हुआ भैया? मैंने जाने से पहले इजाजत ली और सबको किस किया। किया क्या? किस किया। क्या करना था आप लोगों को? किस करनी थी? पप्पी लेनी थी गाल पे। पप्पी लेने का मतलब क्या होता है? अननोन लोगों को कन्विंस करना है कि किसी तरह पप्पी हो जाए। ओके। किसी ने ये नहीं पूछा लेनी है देनी है क्या करना है। ये कौन सी कंफ्यूजन है, लेनी है देनी है, देनी है लेनी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है हमारे साथ। बार बार कह रहे हैं जब कोई चैलेंज दिया जाए तो उसमें पूछे। मेरे ख्याल से खाना वाना नहीं खाया हुआ तो दिमाग नहीं चल रहे। सही बात। पूछते पूछते नहीं है कुछ भी, फौरन शुरू हो जाते हैं, चलो भाई करते हैं। सिर्फ एक राबेल जो है वो सेफ है। आज पूरे दिन के जितने चैलेंजेस हुए हैं सबको काउंट किया जाएगा और उसके बाद एक एवरेज बताया जाएगा कि किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। जिस जिस चैलेंज में आप लोगों ने कॉम्पीट किया है उन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए आपकी एक परफॉर्मेंस जो ऑन स्क्रीन नजर आएगी उसको देखते हुए आपको मार्क्स मिलेंगे। घर जाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद बताया जाएगा कि राबेल के अलावा बाकी जो लोग रह गए थे इनमें से कौन सेफ है, कौन एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। वकार भाई, अब लूजर से तो कोई भी नहीं है। नहीं, लूजर कोई नहीं। तो इनसे बोल दे जो चीजें इन्होंने गायब करी वो सारी चाबी वगैरह जो भी है सब। वो तो आप लोगों का आपस का मसला है। तो लेकिन आप नहीं करेंगे ना भाई? घर के अंदर कोई भी मसला चल रहा है वो आप लोगों को सॉर्ट आउट करना है, मुझे नहीं करना। अगर ज्यादा बदतमीजी होगी, ज्यादा चीजें होंगी तो ऑब्वियसली जो ज्यादा कर रहा होगा वो विनर भी हुआ। अगर राबेल कर रही होंगी और पता चला ये कर रही है, ये अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। भाई अगर आप ये लोग करेंगे तो हम इनका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। भाई ये कितनी दफा कोऑपरेट नहीं करती इनको, अभी तो विनर है। अभी विनर है, आप अभी कह रहे हैं ना कि चाहे विनर भी हो पर जो कोऑपरेट नहीं करता वो बाहर हो जाएगा। उन्होंने कितनी दफा कोऑपरेट नहीं किया, आपने उनको कभी बाहर नहीं। मैं कह रहा हूँ अभी से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पहली दफा कंप्लेन कब की है? आप कंप्लेन भी तो नहीं करते, आप भी गालियाँ देते हैं वो भी देते हैं, खत्म हो गई। आप पहले दिन ही कंप्लेन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने आपको मजे लगे हुए थे, जब तक आप लोग जीत रहे होते तब तक मजे होते हैं, जैसे ही हारते हैं आप कहते जी ये सही नहीं हो रहा। आप फौरन बोले यार इसको बाहर करें। मटके वाले चैलेंज में कौन जीता हुआ था? राबेल हार गई, हरा दिया, लूजर बना दिया, एक तरफ कर दिया। लेकिन आप कितनी इनकी बातें देखे ना, आप घर में कितनी बातों पे आपने कंप्लेन। तो हम भी हो जाएंगे ना ऐसे? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर हम भी होंगे वो सर पे हाथ लगाए कान में उंगलियां डाले हम कुछ ना। जब आपने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, लूजर कर दिया, तो लूजर्स को क्या अलाउ है कि वो यूं करे? इन्होंने रुबैशो को यूं किया, सुन रही हो कि खाना खाना है मुझे, सुन रही हो कि मेरे लिए भी बनाना है? दिस इज अलाउड। आई डिडंट डू दैट, यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग। घर में पहली दफा कंप्लेन आपने करना शुरू की है मटके वाले चैलेंज में, उससे पहले तो कोई भी नहीं आया और हमारे पास सबकी गालियां बराबर मौजूद हैं, सब तकरीबन गालियों के लेवल में सभी बराबर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई, क्यों नहीं है? एक मिनट, जिस किस्म की बातें हुई हैं, माँ बहन तुम्हारी ये बहन, यहाँ अभी 5 मिनट पहले आपने भी किया ना, इसके दो बॉयफ्रेंड, ये बातें मैंने पूछी हैं कहीं? मैंने ये आपसे पूछा, सवाल किया था कि आपकी अम्मी के बारे में, इनकी अम्मी के बारे में, वही मैंने कोई सवाल, ऐसी कोई सिचुएशन आपको दी है क्या? कब बोला मैंने आपको कि आपको ये बातें मुझे बतानी है कि इसके दो बॉयफ्रेंड हैं, उसकी माँ ऐसी, उसका बाप ऐसा, कब बोला मैंने? अगर ऐसा हो कि भाई एक आध कोई गाली दे रहा हो तो चलो सही है, वो गंद कर रहा है, हाँ तो सब बराबर है। सही है ना जी? अभी वकार भाई काम का भी बता दें और खाने वगैरह का। अब आपने ये सुन लेना है कि खाना कौन पकाएगा, एक दिन के लिए असाइन होगा जी। राबेल खाना कौन पकाए सबके लिए? कोई सब मिलके बना ले जिसने। ठीक है, सब मिलके बना ले। ठीक है, आपके पास मौका था, आप किसी एक को देती, वो नहीं बनाता, हारता। मैं खुद बना लूंगी। पर ठीक है, सब लोग अपना अपना खाना बनाएंगे, इसका मतलब ठीक है? ठीक है, अगर हम लोग फ्रेंड्स हैं मिलके नहीं बना सकते, जैसे मर्जी बनाए, लेकिन आपके पास ऑप्शन थी ना घर, बाकी घर की सफाई। जो जो जीता करेगा उसको पावर मिलेगी, पावर मिली आपको, आप इनमें से कहती ये पकाएगा, अगर वो सही नहीं पकाता तो बाहर हो जाता। आपने अब कह दिया सब, इसका मतलब ये सब अपना अपना पकाएंगे, कोई किसी पे खाने के लिए हुक्म नहीं चला सकता। सही है, कोई किसी को नहीं बोल सकता मेरा तुम पकाओगे। भाई दोस्ती यारी में तो खा सकते ना, वो अलग बात है, आप किसी को बोल नहीं सकते। आमिर बोल सकते कि घर फैमिली तक दूसरी चीज पहुंचेगी जी। राबेल सर फैमिली तक ना पहुंचे ने बोल नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। राबेल कौन इनमें से घर की सफाई करे? कशफ कर ले और रुबाइशा कर ले। कशफ और रुबाइशा की एक दिन की ड्यूटी हो गई, घर पूरा साफ होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप लोग बाहर। आज ही जी, एक दिन हो जाएगा कशफ, हो जाएगा। उसके बाद जिस घर में रहते हैं
उस घर में आप लोगों ने बताना है कि आपके ख्याल में किसको नहीं रखना चाहिए। रुबाइशा और दानिया। तो रुबाइशा और दानिया इनको नहीं रहना चाहिए, आपने फाइनल एक डिसीजन लिया। ये तो मैंने ऐसे चेक किया कि आप किसको निकालना चाहती हैं। अब होगा ये, ड्यूटीज हो गई फाइनल। ये बात याद रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका दादा अब्बू नहीं बनूंगा। क्या आप गाली मत दें प्लीज बेटा, मैं आपका बड़ा हूँ, प्लीज आप माँ बहन की बात ना करें। मैं कौन होता हूँ जब आप अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुन रहे हैं? आपको आपके अम्मी अब्बू शो देखेंगे ना, तो आप लोग खुद पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। अगर कोई ये सोचता है ना वकार जका आके रोक यार, जो अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा वो मेरी कहाँ से सुनेगा, जो मर्जी करना है करें। आप कोई बच्चे तो नहीं है कि आपको नहीं पता कैमरे पे क्या चीज़ होनी है क्या चीज़ नहीं होनी? भाई खुद पता होना चाहिए ना बिलाल। जी जी बिल्कुल। मुझे तो ये एक्सपेक्ट नहीं था ना कि आप ऐसी बातें करेंगे, या कोई सिचुएशन ऐसी दी है मैंने, कहीं ऐसा लगा कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से गालम गलोच हुई? ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं। किस मौके पर आपको लगा कि मैंने आपसे कहा है कि आप उनकी इज्जतें उतारे? आपका इमेज खराब हो रही है टीवी पे, मेरा कुछ नहीं जा रहा। फिर खामोश होकर बैठेंगे, वो भी तो बाहर जाके सुनेंगे ना हम। क्या के भाई तुम लोग खामोश क्यों बैठ गए? ये तो हमने कभी नहीं बोला कि आप अंदर खामोश क्यों बैठे, किसको बोला है? नहीं ये मैं खुद बता रही हूँ। वो ये नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रही, ये बोल रही है कि अगर हम लोग घर में यही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको बात सुनाते तो आप सुने, सुनाने का कोई तरीका भी होना चाहिए ना। तरीके से सुना, लड़ाई कोई नहीं रोक सकता माशरे में, लड़ने का तरीका होता है। दूसरा तंग आकर कहता है भाई मैं इस माहौल में नहीं रहना चाहता, वो मुझे मारते हैं गालियां देते हैं, बाहर हो जाए। बर्दाश्त करना ही टॉप 8 का डेयर है सबसे बड़ा। कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं तो अंदर खुद घुस जाते हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे को नहीं रोकना चाहते तो एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे? कोई एलिमिनेशन नहीं है, ये नहीं हो सकता ना। अगर अब मैं बोलूंगा एलिमिनेशन है तो आप बोलेंगे आज राबेल जीती है तो आपने ये कह दिया जी कि हम नहीं मार सकते। ये बोलना था, जिसका जो दिल करता है वो बोले। दूसरे को आप इस लेवल तक तंग कर सकते हैं कि वो घर छोड़ के बोले भाई मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस हाथापाई में किसी का कोई नुकसान हुआ आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। जो भी विनर बना करेगा उसको ये फायदा होगा कि उसे काम नहीं करने पड़ेंगे, बस वो काम करवाने के लिए ड्यूटी असाइन करेगी, अभी बाद में नहीं बोल सकते आप किसी को। सही है, वॉशरूम वगैरह भी साफ करवाने होते हैं। कौन करे वॉशरूम साफ? नाम अभी लो, उनमें से कौन रहेगा? जो एक रहेगा वो कर ले, दानिया कर ले वॉशरूम साफ। दानिया करेगी वॉशरूम साफ, और साथ याया करते हैं। याया करेगा, ठीक है। और वॉशरूम तो बस हो गए, बाकी यहाँ के अलावा आप इन पे कोई हुक्म नहीं चला सकते। बाकी बर्तन वगैरह जो है वो इन बिलाल या इनमें से कोई धोलेगा, और रोटियां पकाने होंगे क्योंकि रोटियां हमें पकानी, मुझे पकाने नहीं आती। नहीं ये मेरा अभी आप जो खाना बनाना आते हैं रोटियां बनाने नहीं आती। ड्यूटी जो है ना यहाँ पर आपने देनी है, इसके बाद नहीं। और जिसको शो से जब जाना हो आपने बताना कैमरे में बस भाई बस बस हो गई, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चले जाए। आपके लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाएगी हर दफा डेयर के बाद कि विनर होगा, विनर को कुछ नहीं करना, विनर सिर्फ काम बांट सकता है। हाँ लेकिन अगर आप विनर को तंग करेंगे तो विनर वकार जका तो नहीं है कि वो रूल सेट कर रहा है, मर्जी है। अब गेम है टॉप 8 के दरमियान, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि आप लोग भागने वालों में से नहीं है, बर्दाश्त है आपकी काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले मैंने जितने भी शोज किए लोग डर कर चले जाते हैं, बीच में भाग जाते हैं, जैसे एक चप्पल पड़ी थी 2-3 लोगों को तो हमाद एकदम भाग गया कि चप्पल नहीं पड़नी चाहिए मुझे, हालत ख़राब हो जाती है ना, बर्दाश्त नहीं होती। तो आप अच्छा खेल रहे हैं लेकिन अब आप एक दूसरे को खुद ही हरा सकते हैं। तो डेयर का मतलब सिर्फ ये होगा कि उसे काम नहीं करना, उसे काम देना है बस। और यहाँ होगी राबेल शेख सेव और मैं बन गई क्वीन, असल क्वीन बनने की क्या जरूरत है। आठ मेडल्स हैं जो आपको मिलेंगे, यहाँ तक आपने सरवाइव किया, आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। किसी भी गेम में किसी भी शो में विनर एक होता है, इनाम एक को मिलता है, उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। हर कंटेस्टेंट को लोग याद रखते हैं अगर आप लोग परफॉर्मेंस देते हैं अपने अपने स्टाइल में। आप लोग आठ हैं और अब मुकाबला और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो राबेल आप बताएंगी, आप विनर हैं, सबने सही काम किया, किसने काम सही नहीं किया? याया को मैंने बोला था, उसने बोला मैंने काम नहीं करना। भाई आपने बोला था ये घर जाके कोई काम नहीं बोलेंगे, जो उन्होंने वॉशरूम का बोला था वो मैंने किया। घर जाके नहीं बोलना, आपने पहले बोलना था। तो इन लोगों का काम था, सबने किया काम,
मैंने वॉशरूम किया आप देख लो। मैंने कैंची मांगी थी वो भी मैं इनके हाथ में पट्टियां कर रही थी और मैं वो लेके बैठी हुई थी। मैंने काटने के लिए उसने बोला मैं नहीं लाके दे रहा। नहीं वो नहीं, जो काम आपने वहां बोले हैं सब ने कर लिया था। बाकी सब ने कर दिया, सब ने, यानी सब सेफ है फिर। और बिलाल कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा जी। बर्तन थोड़े ज्यादा थे नहीं, मैंने भी काम से इनकार नहीं किया। मैंने जो बोला था बर्तन मतलब आज के दिन ज्यादा थे और इसने भी हेल्प किया मेरा समेटने में, तो इजी तो थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन बर्तन आज के बहुत ज्यादा थे जो बाकी दिन के मुकाबले। वैसे बर्तन धोए कभी आपने? जी हाँ, मैं धोता रहता हूँ। ठीक है जी। दानिया? मैंने वॉशरूम धोया था। वैसे तो मैंने घर में भी कभी वॉशरूम नहीं धोया क्योंकि मम्मा ने कभी धोने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टास्क में रहता तो धो लिया था जी। कश्यप? मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाई जो कि मैंने बहुत आराम आराम से दी क्योंकि घर बहुत बड़ा है। अभिया? मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बाहर का एरिया साफ किया था। मेरे हाथ में लगी थी तो इसलिए राबेल ने मुझे मतलब कहा कि तुम इंजर्ड हो तो इसलिए। जी रुबाइशा? मैंने थोड़ा समेटा समोटी की थी, फिर ब्लैंकेट वगैरह तय किए, फिर इन्होंने को भूख लग रही थी, फिर खाना बनाने चली गई थी। किसी ने शो को छोड़कर जाना है? नहीं, दिल नहीं कर रहा। दिल कहाँ लगा लिया? शो में लग रहा है, अब लग रहा है कि शोबिज अच्छा होता है। मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था कि शोबिज कैसा होता है, मतलब इंडस्ट्री कैसी होती है। अब लग रहा है कि अच्छा है इस इंडस्ट्री में। मोबाइल फोन नहीं मिले हुए इतने दिनों से, ऑनलाइन नहीं गए, कोई फिक्र नहीं हुई, अच्छा लग रहा है जिंदगी गुजारना। मुझे सिर्फ मोबाइल की इस वक्त याद आती है कि मैं अगर कभी नाना के भी जाती थी ना तो मम्मा से बात कर लेती थी। मैं चाहता हूँ कि आप में से दो लोग रिप्लेस हो जाए। दो लोग निकले और दो लड़कियां आ जाए। कोई कंटेस्टेंट ऐसी जिनको कहा था मैंने कि उनको आना है शो में, किनको आना होगा? हरीम शाह और संदल खटक। कौन चाहता है वो ना आए? राबेल नहीं चाहती। अच्छा, अभिया नहीं चाहती, क्यों? ऐसी ऐसे ही जी। राबेल, हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री तो एक बेसिक रूल है। ये तो हो सकता है जब आप फाइनल में खड़े हो तब भी आ जाए। ये तो बेसिक एक रूल हर रियलिटी शो का होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिगिनिंग से जो साथ थे अगर उनमें से कोई आ जाए तो कोई मसला नहीं। क्या चाहती हैं आप? जो पहले हमारे साथ जो थे अगर उनमें से कोई आ जाए तो फिर ठीक है, लेकिन ये तो अनफेयर नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि हरीम शाह और वो ना आए उनकी जगह? जो साथ थे उनमें से अगर कोई आ जाए तो हाँ, लेकिन ये तो अनफेयर। कोई भी आ, कौन डिजर्विंग है? मारिया डिजर्विंग का बोला, आशिक है, मुशिक है, शुरू। तो आप ये चाहते हैं कि हरीम शाह और सुंदल ना आए? कौन कौन चाहता नहीं है? राबेल और मैं भी नहीं चाहती। आप चाहते हैं? नहीं, आ जाए भाई, क्या हुआ? नहीं, उस चाय से नहीं भाई, उन्होंने भी तो ऑडिशन दिए थे ना, चले क्यों थी? बिल्कुल सही बात है। मैं चाहती हूँ कि वो आए, मैं भी देखूंगा किस खेत की मूली है। भाई लेकिन हम पे तो स्कैंडल नहीं बना देंगे ना वो यहाँ कोई। मोबाइल होगा उनके पास? नहीं नहीं। और इसको लगता है कि कुछ करेगा? नहीं भाई, लाना तुम ऐसा कुछ करोगे कि स्कैंडल बने? नहीं भाई। जी बिलाल, आना चाहिए उन्हें, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आए और वो तो अपनी जगह के वो एक्सपोज करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो ऑडिशन के थ्रू है, ये उन्होंने मुश्किल डेयर किया इसको भेज के, तो उनका हक बनता है कि आए वो। तो इनकी जगह दो लोग जाएंगे कौन? मुझे तो ना भेज। मैं नहीं जाना चाहता। कोई ऐसी कंडीशन है जिसपे आप लोग जाना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी कंडीशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास 8 लॉकेट है ना। अब दो नए लोग आने हैं, आपकी वैसे राय ये है कि जो कंटेस्टेंट निकल गए उनमें से कोई आ जाए? भले सर, जिसको भी ले आए आप ले आए, हमें नहीं। फेयर है सर, फेयर है। शो में वाइल्ड कार्ड तो फेयर है, हर शो में होते हैं। नॉर्मल बात है ना, नॉर्मल बात, कोई नई चीज तो नहीं। नहीं, इसको लड़कियां याद आ रही हैं अभी तक। छोड़ना यार, छोड़ भाई, तू छोड़। मुझे सैंडविच नहीं बनाओ। चले, पहली जो कंटेस्टेंट है उनको बुलाते हैं। पहली कंटेस्टेंट को भेज दे। हेलो। तो आप लोगों ने बोला कि शुक्र है काम करने वाली आ गई, तुमने चेंज कर दिया। जी सिद्रा, कैसा लग रहा है वापस आके आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अपना अपना सा लग रहा है। अपना अपना लग रहा कि है कि कुछ चेहरे वाकई में जो है वो अपने भी हैं और कुछ बाहर जाके मुझे समझ आई कि नहीं मैं गलत थी। अच्छा, जैसे जैसे कि नाम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ मोनोलॉग्स मैंने ऐसे देखे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो ऐसे बाहर आएंगे,
तो उनमें एक तो राबेल, दूसरा बिलाल एंड थर्ड वन वॉज दानिया। जी बिलाल से शुरू करते हैं, बिलाल से क्या प्रॉब्लम हुई? बिलाल मेरे साथ यूँ तो बड़ा घर में यू नो काम में इन्वॉल्व हो रहे, किचन में, क्लीनिंग में, ये वो, फिर उनकी तरफ से कुछ हाइजीनिक और अनहाइजीनिक कुछ चीज़ें मैंने सुनी। तो अगर आपको इतने कंप्लेंट्स थे तो आप लोग पीछे क्यों, मुंह पे क्यों नहीं बात करते? क्या मतलब मैं कीटाणु, मतलब यू नो मैंने कुछ सुना ऐसा, तो विच कीटाणु आए हैं? मैंने सिर्फ एक कीटाणु का वर्ड यूज़ किया था, वो जो आपने दूसरा वर्ड लगाया वो अपनी तरफ से लगाया। तो यहाँ पे सब अपने गेम खेल रहे हैं, मैं भी गेम खेल रहा हूँ, और मुझे जो लगा वो मैंने बोला। आपको नहीं लगता एक आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी शो करने आए हैं तो आपको वो चीज़ें मेरे मुंह पे बोलनी चाहिए थी, ना कि मेरे पीछे? और किससे प्रॉब्लम है आपको? राबेल। जी राबेल से क्या है? आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि एक तो मेरे फादर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो ये है कि अभी मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं ये देखने के लिए। वे 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 लेट मी टॉक कि मेरे पेरेंट्स अभी इस चीज़ को देखने के लिए जिंदा हैं कि मेरी बच्ची कहाँ से आई है, किसकी पैदाइश है, कौन उसका बाप है, मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, आप मुझे कितने टाइम से जानती हैं बाहर, 6 months हार्डली, और ये 4 साल पुराने किस्से हैं। ठीक है, मैं अपनी बेटी से रिलेटेड बात कर रही हूँ क्योंकि आपने उस पर एक मुद्दा उठाया कि मैं वो एक सिंपति वोट लेकर जी सिंपति वोट लेना होता तो आपको नहीं लगता मैं आंसू बहाती? मुझे एक बात बताएं, जब आप जेल में बैठी होती हैं तो अब आपका बाप किधर होता है? कौन से जेल में? अब आपके लिए इतना तो मैं आपको तो उस टाइम भी आप अपने बाप को कॉल किया करें, उसको पता होना चाहिए कि मेरी बेटी जेल में बैठी है, कि मेरा उस टाइम आप आगे पीछे मेरे भाइयों को क्यों कॉल कर रहे हैं? लिसन 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 आप जेल में कॉल करें, लिसन टू मी फर्स्ट, उस टाइम आपको अपना बाप याद नहीं आता, तुम्हारे बाप को नहीं पता लगता कि बेटी कहां बैठी है? बात नहीं की आप भी मुझसे बात ना करें, मैं आपसे सवाल कर रही हूं। देखिए उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं बताने का हक रखती हूं। अगर आप सुनने में इंटरेस्ट, आप यहां आने का भी हक, अगर आप सुनने में वो ये वकार डिसाइड करेंगे, अगर ये मुझसे बोलती कि मेरा निकाह हुआ था नहीं हुआ था तो आप मुझे ला के दिखा दे वो निकाह नामा कहाँ रखा हुआ है, आपको तो नहीं बताऊंगी ना मेरा निकाह हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, मेरी बच्ची नाजायज है जायज है, ये देखिए ये बहुत बड़े सोशल इश्यूज हैं जिसको आप इस अच्छा तरह है क्या, स्टोरी क्या है? स्टोरी इज लाइक आई वाज इन लव विद समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन जिसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, तो ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिश्ता खत्म किया गया था क्योंकि उन्होंने मुझ पर हाथ उठा लिया था, मैंने उनको छोड़ा था, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था, आज भी वो अगर मैं बोलूंगी तो वो इस बात को एडमिट करने आए। ठीक है उसके बाद जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात खत्म हुई तो हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि ना आप मेरे बारे में कोई बात करेंगी ना मैं आपके बारे में बात करूंगी। जहां तक रही बेबी का सवाल तो वो मुझे 3.5 months बाद पता चला था दैट आई एम कंसीविंग और समथिंग, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अबॉर्शन के बारे में सोचूं, तो मैंने वो पैदा कर ली क्योंकि वो मेरी बच्ची थी। अब किसी का भी, किसी भी एक्स वाई जी कोई भी हो, किसी का राइट नहीं बनता मुझसे सवाल करे कि तुम्हारा निकाह नामा कहाँ है, तुम्हारी बच्ची का बाप कौन है, मैं क्यों जवाब दूँ? ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बोलना है आपने? ठीक है, तो सिद्रा शो में वापस आ सकती है, आने के लिए ढेर करना पड़ेगा, किसी को चैलेंज करना पड़ेगा, किसी को हरा कर आगे आना पड़ेगा। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। एक और कोई वापस आएगा, वो एक और जो है उनको भी बुला लें। चलो आमिर, तो आप लोगों को लग रहा था मारिया और सिद्रा वापस आ जाएंगे? नहीं सोचा नहीं था, क्योंकि मारिया का तो बिल्कुल नहीं सोचा था। क्यों? बस जितनी ये उसको बेताबी सी आज सुबह सुबह याद कर रहा था, आज सुबह भी अभी भी याद कर रहा था, ये तैयारी नहीं देख रहे किसी को, इतनी शिद्दत से याद कर रहा था। अच्छा तुम्हें पहले से पता था? नहीं नहीं मुझे नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था, मैं आज इतना तैयार हूं। अच्छा एक एक करके आमिर सर, रात ख्वाब देखा था मैंने, उसमें आई थी बाकी आ गई, सच बता रहा जी। क्या कह रहे हैं? ख्वाब में देखा था ऐसे बाकी। क्या कह रहे थे ख्वाब में? पता नहीं, याद नहीं था लेकिन आई थी, ख्वाब याद नहीं रहता मुझे। अच्छा आप ख्वाबों में आती हैं? पता नहीं सर, पता नहीं क्यों आया ख्वाब में, तो अब मेरा जोर नहीं। आपके ख्वाब में ये आया? ये आई मुझे याद है इतना कि आई, अब वो क्या कर रहा था। और कितनी आई थी? कोई भी नहीं आई सर। और अच्छा तो एकदम क्या आपको अभी लगा, आप क्यों इतने हंस रहे थे जब आ रही थी? सर मुझे खुशी हुई, ये कहना चाहूंगा मेरा ख्वाब पूरा हो गया। जी मारिया, कौन आपको लगता है यहाँ पर जिसको आप चैलेंज करना चाहती हैं और क्यों?
मुझे लगता है मैं रुबाइशा को चैलेंज करना चाहूंगी। ओह रुबाइशा को? जी रुबाइशा को। Wrong choice babes, let's see. क्योंकि इसके प्रीवियस टास्क में इन्होंने मुझे चैलेंज किया था, तो मुझे लगता है मैं बहुत आराम से हरा सकती हूँ। अच्छा आराम से रुबाइशा हार सकती हैं? No. We'll see that. जी सिद्रा। राबिल। No no no, मैं ऐसे ग्रजेस नहीं निकालती। या कौन? या Because मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई हराए तो वो इस काबिल होना चाहिए कि उसकी जीत में मुझे खुशी हो। आप दोनों श्योर हैं इन्हीं को चैलेंज करना है? मैं तो 100% श्योर हूँ। यस। और आमिर आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि शो छोड़ के चले जाएंगे? किसके लिए सर, मैं जाऊंगा तो अकेली हो जाएगी ना। जी अकेली हो जाएगी ना, मैं तो चाहता था ये आए, मेरा दिल भी लगा रहा है। आपने उससे पूछ लिया? नहीं भले वो ना करे, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, भले वो ना। लेकिन अगर तुम मुझे इतना लाइक करते हो तो तुम छोड़ दो ना शो। तुम चाहती हो मैं जाऊँ? मैं चाहती हूँ तुम जाओ। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं इसे समझूँ। और ये अलजबरा है जिसको समझना है बैठ के। नहीं मैं चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि लेकिन आज तो मोहब्बत का इम्तिहान हो गया फिर ये। जी सर लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान, अगर तुम चले गए तो रुबाइशा बच जाएगी। तुमने मुझे माँ बोला यार। हाँ ऐसे माँ बोला मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी मोहब्बत वो प्रॉपर मोहब्बत नहीं है, क्योंकि एक दो दिन ही मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा और ज्यादा टाइम स्पेंड हो ताकि मेरे बारे में जान सके और मैं इसके बारे पर में मुझे जान आपके बारे में कुछ नहीं जान। भले ना जानो तुम, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके साथ थोड़ी बातें करूँ। वो आपसे कुछ पूछ रही है, क्या पूछा हमारे आपने? एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। आपने जो पूछा है वो क्या पूछा है? मैंने इनसे यही पूछा है कि आप मेरे शो छोड़ के चले जाए अगर आप इतना ही बोलते हैं। हाँ मारिया तुम मुझे टेस्ट कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये तुम्हारा कहना है शायद तुम्हें झूठ लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो। मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ एक लड़की है, मतलब क्या तो आंखें इधर रख के क्यों देखता है? मैं नहीं देख सकता उसके आंखों में ना। अब तो डेयर ये कि इसकी आंखों में देख के बात करनी है, वरना फिर आप एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। मारिया तुम्हें लगता है कि मतलब किस, मैं नहीं सोच सकता तुम क्या समझ रही हो मेरे बारे में, कुछ अलग मतलब यहाँ गलत या कुछ अपनी फीलिंग समझ रही होगी या मुझे झूठा समझ रही होगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भले ना हो, तुम्हें भाई की तरह। मैंने कहा ही नहीं। क्या? ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? एक मिनट सब खामोश। क्या बोला आपने? मैंने कहा ही मेरे भाई की तरह है। सर इमेज कॉन्शियस मुझे लग रही है, इमेज कॉन्शियस है शायद, ये डर रही है इमेज से। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं भाई मटेरियल नहीं हूं, क्योंकि मैं भाई हूं नहीं। जैसे मैं बोलता हूं बहन तो उसे मानता भी हूं, पर मैं तुम्हें बहन नहीं माना। आप मुझे बहन ही समझ, लेकिन मैं नहीं समझ रहा ना, वो मेरी चॉइस है ना। तुम मुझ पर नहीं मतलब इतना हक नहीं जमा सकती, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है, मेरा अपना दिल है। मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे जैसे पसंद करूँ, वो मेरी मर्जी है। अच्छी बात है। वैसे उसने बोला तो है अगर मोहब्बत करते हो तो चले जाओ। सर वो टेस्ट कर रही है या तो मुझे निकालना चाहती है कि मेरा स्कैंडल ना बने, लेकिन मैं नहीं चाहता इसका स्कैंडल बने। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ। किसी लड़के की इज्जत करना मुझे उसके अपने। सर अभी आप अभी तो मुझे आमिर बोल रहे थे कि ये इससे मुझे प्यार नहीं है, अभी मुझे लग रहा है कि ये मेरी अट्रैक्टिव अट्रैक्शन थी, मोहब्बत नहीं थी, और अभी इनके सामने आके फौरन मुकर गए। मैंने प्यार कब बोला? अभी भी मैंने प्यार नहीं बोला। आपने बोला? मैंने अभी भी प्यार नहीं बोला। आपने बोला? मैंने अभी मैंने कहा लाइक करता हूँ, अभी भी मैंने बोला है कि मैं लाइक करता हूँ, मैं प्यार नहीं करता, अभी भी मैंने बोला है। जी प्यार नहीं करता, प्यार अलग चीज होती है। बोलते क्या बोलता है? हमारे सामने बोलते हैं, आज ही बैठ के बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मारिया की कंपनी। तो मैंने कब बोला? लड़की अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, जिस तरह की है वो तभी अच्छी लगती है मुझे, वरना प्यार व्यार तो दो दिनों में नहीं होता। सीधी सी बात, जैसे आपको क्या पसंद है मारिया में? बस नेचर की अच्छी है। इधर देख के बात करनी है। नेचर की अच्छी है ये, जो भी करती है मतलब अच्छा लगता है मुझे, ऐसी लड़कियां मुझे अच्छी लगती है, इसमें कोई बुराई नहीं है अच्छा लगना, और ये मुझे अच्छी लगती है जिस नेचर की है, और बात भी कम कम करती है, काम से काम रखती हैं अपने, तभी मुझे क्या लगती है। मुझे आज बोल रहे थे वहाँ पे बैठे हुए ना किचन में कि कशम मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जॉली हंसने वाली, तुम्हारी गाल का दिल, तुम जब हंसती हो तो तुम्हारा दिल ये तुम्हारे वो, और ये मुझे ऐसे बोल रहा था किचन में बैठे हुए। बोल रहा था यार मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे ख्वाब में आती है
और तुम जैसी लड़कियां ही जो है। ये तो मैं इससे भी बोलता हूँ, इसे भी बोलता हूँ। अभी आप बारी बारी करते हैं। नहीं, मैं मजाक करता हूँ उनके साथ। जी तो कश्यप पसंद है आपको, मोहब्बत है? नहीं सर, मजाक में, मजाक में मैंने बोला। तो परेशान होकर नहीं क्यों किया? क्योंकि मैं मजाक करता रहता हूँ सबके साथ, मेरा सबके साथ मजाक चलता है। मजाक करते हो, ट्राई करते हो? नहीं कसम से ट्राई नहीं करता। ये लोग यही बोल रहे थे कि अगर कोई है तो ट्राइयां मार। सर मेरी चॉइस की है ही नहीं कोई यहाँ पे, मैं क्यों करूंगा? मैं सिर्फ मजाक करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी लड़की कोई लगी ही नहीं। अच्छा, अबिया को भी बोला आपने? मजाक में, मजाक में। अभी 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 थोड़ी देर में मजाक। अबिया क्या बोले? मुझे नहीं पता, आंखों का सर मैं मजाक करता रहता हूँ क्योंकि ये मुझे समझती है, ये भी समझती है क्योंकि मैं जो पता है इनके साथ कर। उसने मना कर दिया था, भैया ने बोला गाने नहीं गाओ रोमांटिक, मुझे देख के। मैं इसके साथ मजाक किया क्या करे? भैया ने बोला था मुझे देख के रोमांटिक गाने मत गाओ। आपको देख के कौन से गाने गा रहा था? मोहब्बत के गाने गा रहे थे। सर मैं मस्ती मजाक उन लोगों के साथ करता हूँ जो मेरा मजाक ले सके, उनके साथ नहीं करता जो ना ले सके। मैंने दानिया के साथ आज तक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है वो नहीं ले सकेगी, ये मेरे क्लोज हैं बहुत, तभी मैं इनके साथ करता हूँ मजाक मस्ती। और कैमरा में बोलता हूँ ये मजाक मस्ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राबेल को पता है, राबेल के साथ तो मैं बहुत करता हूँ, उसे पता है ये मजाक कर रहा है, फन लविंग गाय है। लेकिन आज ये भी तो बोल रहे थे कि वो सिर्फ अट्रैक्शन थी, मैं उसकी शक्ल भी भूल गया। हां बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ। अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये तो मैंने भी। अब मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छे हो सारे। ये नहीं गाना, ये नहीं गाना दे। तो आप मारिया के लिए जाना चाहते हैं? नहीं सर, क्योंकि मुझे इनके साथ अट्रैक्शन थी। सुनो तो, आप ये बताएं, वो पूछ रही हैं क्या आप जाना चाहते हैं? मारिया मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, मुझे ऐसे प्यार नहीं, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज है। मुझे ये बात सुनके बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे प्यार नहीं है तुमसे, क्योंकि तुम भी थोड़ा परेशान हो गई कि मतलब स्कैंडल बना रहा है। तुम अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बनाऊंगा, तुम बहुत अच्छी हो, दिल की अच्छी हो, तभी मुझे अच्छी। हमें पता ही नहीं चलता अगर आप नहीं बताते। सर वो प्यार समझ रहे हैं ना, प्यार तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें कब पता चलता? आप बताएंगे तो हमें पता चलता है। हाँ ये मुझे अच्छी लगती, अच्छा लगना तो कोई बुरी बात नहीं है ना सर, मुझे जरा भी अच्छी। तो स्कैंडल नहीं है तो फिर कैमरे पे क्यों बोला? सर स्कैंडल तो प्यार होता है ना, प्यार अलग चीज है, पसंद करना अलग चीज है। ये लोग नहीं समझते हमारे मुआशरे के। क्या समझाएं मुआशरे को आज आप? हमें मुआशरे को समझना तो बहुत जरूरी है। कैमरे में नहीं, हमें इधर देख लो। प्यार और एक लाइकनेस और किसी को मतलब, मैं अपनी अम्मी को, अम्मी मुझे अच्छी लगती। अम्मी की तरह लगती है मारिया? नहीं 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 सर, एक पसंद करना, मामता नजर आती है? नहीं नहीं सर, टीवी पे हम देखते हैं किसी को देखते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है यार ये अच्छी, लेकिन हमें पता नहीं उसका नेचर कैसा है। ऐसी आपको बीवी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, माँ चाहिए, ये बताएं? ऐसी बीवी चाहिए, लेकिन अभी तक टाइम चाहिए, टाइम चाहिए मुझे, मुझे टाइम चाहिए इस बार। अच्छा, उसे पूछा नहीं, लेकिन तुम्हें टाइम चाहिए? नहीं नहीं, वो भले ना करे ना, लेकिन मैं तो अपना डिसाइड कर लूं ना, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी तो बोला बीवी चाहिए ऐसी। सर ऐसी मटेरियल, मिस मटेरियल की मटेरियल माल मतलब। क्या गलत बोल रही है? ये गलत बोल रही है सर, उर्दू बताइए मैंने तो। नहीं नहीं गलत बोल रही है तू हमारे लिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो कह तो रही है कि आप अगर वाकई सच्चा प्यार करते हैं तो शो छोड़ के चले जाएं, उसको जगह दे दें। सर हमारे लिए भी आसानी होगी, डेयर नहीं कराना पड़ेगा। लोग बोलेंगे नहीं ये आप अनफेयर कर रहे हैं मेरे साथ। मैं अनफेयर मैं कर रहा हूँ? मारिया कर रही है, मारिया कर रही है अनफेयर कर रही है मेरे साथ। लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा कि प्यार का इम्तिहान है, एक तरफा मोहब्बत का इम्तिहान है ये बहुत। ये आमिर, मैं इसके लिए बड़े इम्तिहान। भाई कितने लोगों लगता है मारिया के लिए चले जाना चाहिए इसे? राबेल है ना सर, राबेल मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है इस घर में अभी, और मारिया ऐसे भी ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए राबेल, क्योंकि ये मुझे समझती है, बहुत समझती है। पल में माशा, पल में तोला, थाली का बैंगन सुबह तेरे मुंह में जब देख के रही है। हम थे अभी, वो आई तो वो नहीं नहीं वो नहीं है तेरे से ज्यादा, अभी भी बोल रहा हूं राबेल से ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं है इस घर में, भले मारिया आए या कोई भी आए, मेरे लिए राबेल ज्यादा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा समझती है। बहन? हाँ जो भी, हाँ बहन, बहन मैं क्या बोलूं, तुम्हारा चल रहा है, बहन ही है सर, बहनों की तरह है, और मुझे बहुत अच्छे से समझती है, जो लड़की को समझना चाहिए वैसे ही समझती है मेरी। ठीक है, आपने नहीं जाना? नहीं सर। तो मारिया और सिद्रा को इस शो में आने के लिए चैलेंज करना है। मैं एक दफा फिर पूछता हूँ, सिद्रा किसको चैलेंज करना है? नहीं आया जी मारिया। रुपाइशा यहीं पर आप लोग बैठेंगे, आप भी यहीं खड़े होंगे, जहाँ बेड हैं वहाँ क्यू कार्ड कुछ छुपा दिए जाएंगे। ओके। जब मैं गो बोलूँगा आ जाएंगे,
जिसको क्यू कार्ड मिल गया ये में रुक जाएगा। जिसके हाथ में क्यू कार्ड होगा वो उसे पढ़ेगा जो सवाल लिखा है उसका जवाब भी देगा। इसका मतलब पहली अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी? जो क्यू कार्ड लेगा। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो जिसको आपने चैलेंज दिया हुआ है उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। मुफ्त में पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ने नहीं दिए तो दोनों खत्म। जनरल नॉलेज कैसी है आप लोगों की? सही है, बहुत अच्छी है। आपकी नहीं? 80% ठीक है, बिल्कुल बेकार है जी। आप लोगों की कैसी है? अच्छी है। अच्छा, अच्छी है, ठीक अच्छा। है। मेरी ऑडिशन में तो देख ली होगी ना। हाँ तकरीबन वैसे ही सवाल। अच्छा चलो, अगर आपको लगता है आप दोनों को कि हमें जवाब नहीं आता तो आप इनमें से किसी को कन्विंस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार मेरा जवाब तुम दे दो। जो इनमें से जवाब देना चाहेगा वो ये याद रखे, अगर उसके सवालों के जवाब गलत होते गए तो कुछ पेनल्टी उसकी तरफ आती जाएगी। नहीं समझ में। आपने क्यू कार्ड उठाया जी, आपने कहा यार ये जवाब मुझे तो नहीं आता, आमिर तुम जवाब दो। आमिर ने कहा भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन आमिर ने अगर हेल्प की और वो सवाल का जवाब गलत हुआ तो जितने परसेंट आपके जाने के चांसेस हो रहे हैं फिर उसके भी बढ़ते जाएंगे। तो किसी की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प करनी है। क्लियर? कोई सवाल? क्यू कार्ड रख दे। आप लोग फेस उधर करें, अब आ जाए यहां पे आप। जब यहां से मैं गो बोलूंगा तो आप दोनों उठेंगे और यहां से जाएंगे, ठीक है, और आप दोनों भी भागेंगे। बेडरूम का पूरा एरिया है, सिर्फ बेड जो बेड्स है ना 8 उसके आसपास है। क्यू कार्ड मिल जाए वहां रुक जाए, कोई छीन नहीं सकता क्यू कार्ड किसी से। ठीक है, जिसको मिल गया आपने बोला मुझे भाई कार्ड रुक, मिलते रोकना है या सवाल पढ़ने के बाद? नहीं, कार्ड मिलते ही रोक देना, रोक देना। एक मिले तो? हाँ एक ही। एक ही? और कितने टोटल? कितने कार्ड है भाई? है अच्छे खासे हैं, मुश्किल सवाल भी हैं आसान सवाल भी हैं। एक से ज्यादा मिल जाए तो चुपचाप जमा नहीं करें? अगर एक से ज्यादा हमें मिल गया, एक नहीं, जमा थोड़ी करने हैं आपने कार्ड, साथ की साथ जमा। 25 कार्ड जमा कर लिए, 50 कार्ड है वहां पे तो 25 जमा कर लिए तो विनर हो जाओगे। चैलेंज समझ रहे हैं आप लोग? बिलाल समझाएं चैलेंज जरा। समझाओ भाई। सर चैलेंज ये है कि पहले तो कार्ड को ढूंढना है, फिर वहां से आप स्टॉप करेंगे, वहां से आप जो सवाल होगा वो पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे सही है गलत, फिर अगले कार्ड की तरफ जाएंगे। एक चीज समझ ले, मैंने कार्ड उठाया, सवाल पढ़ा, मुझे लगता है नहीं इसको नहीं आएगा, आपसे मेरा मुकाबला है, रुबाइशा और अगर मेरा मुकाबला है, मैंने कार्ड उठाया, अब लगता है आपको कि मैं जवाब नहीं दे सकती, वो भी नहीं दे सकती, तो आपने उससे पूछ लेना है, या ये समझाओ भाई। अगर मैंने कार्ड उठाया और मैं समझूंगा मैं जवाब नहीं आ रहा तो मैं सिद्रा से पूछूंगा। हाँ। अगर सिद्रा ने जवाब गलत दिया तो मेरा पॉइंट हो जाएगा। यस, यानी सवाल देना इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल करना भी इम्पोर्टेंट, सवाल का जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग चलाना इम्पोर्टेंट है कि क्या ये जवाब मुझसे बेहतर। और अगर एक के बाद जैसे एक सवाल का आंसर दे दिया और वो सही है तो फिर हमें दूसरा क्यू कार्ड ढूंढना जी। okay. फौरन फौरन नहीं, स्टार्ट बोलूंगा मैं आपको, ठीक है, आराम से ढूंढना है, समझ गए हैं? क्विज राउंड नहीं है ये, ठीक, यानी आपके बचने का दिमाग का भी खेल है, दिमाग का खेल ये कि यार ये इतना मुश्किल है अगला नहीं दे पाएगा, अगले को जज करना आपका काम है कि अगला इतना पढ़ा लिखा इतना दिमाग चलाने वाला है। जैसे आपके हाथ में क्यू कार्ड आया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार रुबाइशा से मैं पूछ लूँ, जरूरी नहीं है ऑडिशन में अगर उसने बेवकूफ़ी कर दी है कोई तो हर जगह बेवकूफ़ी करे वो। भाई अगर ये रुबाइशा से पूछेंगी तो रुबाइशा को नहीं आया तो किसी से पूछ सकती है? नहीं नहीं नहीं, फिर वो वही देंगे। नहीं नहीं, रुबाइशा जो है ना वो किसी और को कह सकती है मेरी जगह तुम जवाब दो। और जब मैंने अगर याया से सवाल किया है उसको आंसर नहीं आ रहा तो मुझे अगर आ रहा हो तो मैं उसको आंसर दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हूँ, वो मेरा पॉइंट काउंट हो जाएगा। ओके, आप दोनों भी इनमें से हेल्प ले सकते हैं अगर ये आपकी हेल्प करना चाहें। ओके, लेकिन आपको ये नहीं कहना मुझे क्या पता था दानिया जानबूझ के मेरा आंसर गलत कर देगी। ठीक है, रेडी? या एक लास्ट क्वेश्चन पूछ। जी जी, अगर मैंने क्यू कार्ड लिया है और मैंने सवाल पढ़ा बट मैं अगर उसे नहीं पूछना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी जवाब दे सकती हूँ, लेकिन आप पहले बताएंगे हमें कि आप खुद आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। पर अगर मैं देना चाहूँ आंसर इनके क्यू कार्ड का? नहीं नहीं, आपस में नहीं है, जिसको मिलेगा जिसको चैलेंज है वही देगा जी। दूसरा कहेगा मुझे आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कितना टाइम मिलेगा आंसर देने में? आंसर देने के लिए 1 मिनट से ज्यादा और क्या, मतलब कोई इतना कोई आपको मैथ्स का इक्वेशन थोड़ी दी जिसको सॉल्व करना है, तो आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। ओके, इतने मुश्किल सवाल नहीं है।
गो। भाई मिल गया। स्टॉप। भाई मैं सवाल सिद्धरा से पूछना चाहता हूँ। आपके पास भी क्यू कार्ड है? जी। मारिया के पास भी है, जाइए और मारिया के पास है, ठीक है? सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। जी। जीडीपी के लिहाज से 2019 में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कौन सा था? आपने खुद जवाब देना है? नहीं, इनसे पूछना है। जी। कतर। जवाब दुरुस्त है। कतर इसने बोला है। किसने? इधर से मुझे आवाज आई। किसने? ये जो आपका बंदा है उसने। रुको। मुझे आवाज आई इसकी, किसका जवाब कतर था। किसने कतर पहले बोला? मुझे यहाँ से आवाज आई है। कतर बोला हमारे कैमरामैन ने? इसने बोला कि कतर। नहीं, मुझे यहाँ से आवाज आई है। दरवाजा खोल के अंदर गए। किसने बोला? यहाँ से बोला किसी ने? चेक करें जरा प्लीज। वो क्या बोल रहा है? मुझे आवाज आई अंदर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या यहाँ कोई धांधली हो रही है या सब ठीक है। तुम पागल हो गई हो? मैं मर जाऊंगी ना, मुझे तब भी अब फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो गई हो? अब मुझे कसम से फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो गई हो? यार प्लीज। अच्छा रुको, सीधा कर। छुरी नहीं वगा ने मना किया। छुरी नहीं। क्या बोला? क्या?